गैजेट चाहिए जो तुमने मुझे उस दिन दिया था। जल्दी करो, मुझे वो गैजेट दे भी दो। तुम्हें क्या हो गया डोरेमोन? तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। क्या हुआ डोरेमोन? तुम अब भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ओह डोरेमोन, अब मैं क्या करूं? डोरेमोन, ओह डोरेमोन, डोरेमी, पता नहीं डोरेमोन को क्या हो गया है। नोबिता, मुझे लगता है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो गई है। ओह बैटरी खत्म हो गई थी, मैं तो डर ही गया था। तुम जल्दी से इसकी बैटरी बदलो। नोबिता, ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जो ओल्ड कैट रोबोट्स होते हैं जैसे कि डोरेमोन, उनके कान में मेमोरी सर्किट होता है जो बैटरी बदलने में काम आता है। पर जैसा कि तुम जानते हो, मेरा भाई डोरेमोन पहले ही अपने कान खो चुका है। अगर उसकी बैटरी रिप्लेस की तो तुम्हारे साथ बिताई सारी यादें खो देगा। क्या खो देगा? ये सब बकवास है। बस बैटरी खत्म हो जाने से ऐसा कैसे हो सकता है? हम डोरेमोन में नई बैटरी डालेंगे और वो फिर से ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ नोबिता, हर रोबोट को ताकत चाहिए होती है, और स्पेशली डोरेमोन जैसे नाजुक रोबोट कीमती यादें ही दिमाग में रखते हैं, बाकी छोटी मोटी यादें वो भूल जाते हैं। बस बहुत हुआ, अब मैं फ्यूचर फैक्ट्री जा रहा हूँ डोरेमोन को सही कराने के लिए। नोबिता रुको, नोबिता तुम ठीक तो हो? अरे नहीं, ये क्या हुआ? तुम अब ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे युग वाले हम फ्यूचर में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तुमसे कुछ ही देर पहले मैंने भी वहाँ जाने की कोशिश की, पर टाइम पेट्रोल ने मुझे रोका और मेरी एक न सुनी। तो अब मैं क्या करूँ? आइडिया, अगर हम डोरेमोन के कान फिर से लगा दे तो उसकी मेमोरी सेफ रहेगी। मैं उसके पॉकेट से डोर निकालता हूँ। नहीं, तुम डोरेमोन की पॉकेट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये डोरेमोन की एक्टिव फंक्शन नहीं है, और हम ऐसा कुछ कर भी तो नहीं सकते। अगर ऐसा है तो उसे बुलाओ जिसने डोरेमोन को बनाया। नोबिता, हम रोबोट से ये बात सीक्रेट रखी जाती है कि हमें किसने बनाया। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। हमारे पास दो ऑप्शंस है। पहला रास्ता कि डोरेमोन को फ्यूचर फैक्ट्री ले जाकर उसकी बैटरी बदल दी जाए, भले ही डोरेमोन की याददाश्त चली जाएगी, पर तुम उसके साथ रहकर अपनी नई यादें बना सकते हो। या दूसरा रास्ता कि हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आने का वेट करें जो डोरेमोन को पहले जैसा सही कर दे। नोबिता, डोरेमोन डिनर तैयार है। वो कहाँ है? उन दोनों में से किसी का जवाब नहीं आया। डोरेमोन, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले, वो नए साल का दिन था, सही कहा ना मैंने? मैं तुम्हें देखकर ही एकदम सरप्राइज हो गया था, और तुमने मुझे अजीब कहा था। डोरेमोन, हम कितनी अलग अलग जगहों पर गए, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, और कभी रहस्यमय जगहों पर। जब तुम कंफ्यूज्ड होते हो तो तुम किसी काम के नहीं रहते। क्यों, सही कहा ना मैंने? जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे तो तुम ही होते थे जो मेरे बारे में सोचते थे, और हम लड़ते और बाद में फिर से दोस्ती कर लेते थे। कुछ तो बोलो डोरेमोन। मैं जानती हूँ नोबिता कि तुम डोरेमोन की तुमसे जुड़ी यादों को भुलाना नहीं चाहते। थैंक यू नोबिता, मैं बहुत खुश हूँ। ये वही नोबिता है जिसे मैं जानती हूँ। मुझे भरोसा है कि फ्यूचर में जरूर कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो डोरेमोन को ठीक करेगी। नोबिता, सच में नोबिता, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। कंग्रेचुलेशंस नोबिता, तुम्हें फिर से सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले। थैंक यू, पर मेरे लिए मार्क्स मायने नहीं रखते। कोई चीज़ मायने रखती है तो वो है नॉलेज। मुझे और मेहनत की ज़रूरत है। तुम इतनी मेहनत करोगे तो ये तुम्हारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। चलो आज हम स्कूल के पीछे वाले पहाड़ी पर चले। थैंक यू शिजुका, पर मुझे बहुत से ज़रूरी काम है, अगली बार चलेंगे। नोबिता प्लीज रुको।
नोबिता बदल गया है, क्यों? नहीं, वो नहीं बदला। डोरेमोन के जाने के बाद उसे बड़ा धक्का लगा है। उसने खुद को पूरी तरह से बदल लिया है। मैं उसे पिकनिक पर ले जाके रहूंगी, जरूर ले जाऊंगी। तुम ये क्या कह रही हो? शिजुकारको, मानो या ना मानो, हमारी टेक्नोलॉजी के विकास की गति बहुत धीमी है। हाँ, तुमने सही कहा सुनियो। तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे तो हम सोचते थे कि बड़े होकर स्पेस ट्रिप पर जाना मुमकिन हो जाएगा। हम ये भी सोचते थे कि एक बटन दबाने से ही खाना तैयार हो जाएगा। हाँ, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता था। तुम्हें पता है, वो काम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सालों से कर रही थी, आज वो एक साइंटिस्ट ने कर दिखाया। क्या कर दिखाया है? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे पता है वो साइंटिस्ट कौन है। हाँ सुनियो, तुमने सही पहचाना। बस एक कसम जो उसने बचपन में खाई थी कि डोरेमोन को ठीक करके ही रहूँगा, आज 35 साल बाद उसने करके भी दिखा दिया, एक साइंटिस्ट बनकर। आज मुझे पता चला कि उसमें कुछ भी नहीं बदला था। नोबिता, तुम कहाँ हो? शिजुका, इधर आओ। लेकिन तुमने ही तो कहा था कि ये जगह खतरनाक है और मैं यहाँ नहीं आ सकती। स्विच ऑन करता बेटा, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया?